नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रियंका सिंह। आज मैं उपस्थित हूँ फॉक्सकॉन म्यूजिक भोजपुरी चैनल है नया, जो भोजपुरी में लॉन्च हुआ है आज के दिन ही। और आज इस म्यूजिक चैनल का उद्घाटन है, जिसके जो निर्माता हैं, जो इसके जो ऑनर हैं, वो हरि त्रिपाठी जी हैं और इसके सहयोगी सत्येंद्र जी हैं और भीम जी हैं। तो मैं सबसे पहले इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव शक्ति जो है इस चैनल को ब्लेस करें, और मैं आशा करती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे गाने आप सभी को सुनने को मिलेंगे। और आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जब इसके गाने आएंगे तो आपको अच्छे अच्छे गाने सुनने को, देखने को, अच्छे वीडियोज़ भी मिलेंगे। और बस बस मैं यही चाहूँगी कि चैनल दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। थैंक यू सो मच। दो लाइन गाने को मौके कोई। अभी रिसेंटली वैसे तो बहुत सारे गाने हैं आए हुए मेरे एल्बम्स के। अभी एक गाना मैंने अपने चैनल के माध्यम से गाया है, उसको दो लाइन आप सभी दर्शकों के लिए। अखिया डगर मनवा नगर, अखिया हवे डगर मनवा हवे नगर, बड़े बड़े लोग झुक के कर कैले दरबार। दिल तो प्यार के राजधानी हाँ, दिल तो प्यार के राजधानी हाँ, राजधानी हाँ। ये सॉन्ग है जो कि भोजपुरी लैंग्वेज में ही, और मैंने कोशिश की हमेशा की तरह हर बार कुछ नया करने की। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी कि आप सभी प्रियंका सिंह ऑफिशियल पे भी जाइए, जिस पे ये पूरा गाना उपलब्ध है, और इसको सुनिए। और इस तरह के ये गाने आपको इस चैनल के माध्यम से भी सुनने को मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच, नमस्कार। जो बात कही, देखिए रवि किशन जी जो है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, मैं तो उस वक्त आई भी नहीं थी, शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त से। वो इस इंडस्ट्री को एक रिफॉर्मेशन कह सकते हैं, एक रिफॉर्म किया उन्होंने। और आज जो कुछ भी है इसमें, जितने भी कलाकार हैं सबका सहयोग है। तो उनकी जो जहाँ तक बात है वो ड्रग्स वाले जो मामले हैं, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उनकी बात सही है। जो आने वाला जो जनरेशन है उसको जो भी नशा है, ड्रग्स है या गांजा है, किसी भी तरह का कोई नशा है, सिगरेट है या कुछ भी ऐसा जो नशा है, जो हमारे आने वाले जनरेशन को जो बर्बाद कर रहा है, जो जैसे बच्चे आने वाले टाइम में कॉलेज में पढ़ते हैं, मेट्रो सिटी में जाते हैं अपने करियर बनाने, तो इन चीज़ों में ना लिप्त रहें। तो इसके लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। और हम सभी को होना चाहिए, पूरे देश को होना चाहिए। और नशा मुक्ति तो होगा तभी आने वाला जनरेशन ग्रो करेगा, तभी इंडिया और ग्रो करेगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी उनके साथ रहिए और अच्छी चीज़ों के साथ खड़े रहिए, सच के साथ खड़े रहिए। मेरा ये, अगर रवि किशन जी ने कहा है वो सच है, इट्स फैक्ट। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, बट उनकी बात सही है, ही इज़ राइट। तो आप सच के साथ खड़े रहिए तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।